मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं वॉक के लिए आई हूँ कैंट एरिया में। एक्चुअली रन का बिल्कुल मन नहीं है आज, क्योंकि कल बहुत थकान हो गई थी, तो आज सोचा है लंबा वॉक करूंगी। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में मेरे साथ। चलिए लेकर चलती हूँ आपको, दिखाती हूँ आपको कैसा है हमारा कैंट एरिया। बहुत ही सुंदर है, खुली खुली सड़क है और एकदम पोल्यूशन फ्री। अच्छा, बारिश भी हो रही है तो मैंने अपने साथ छाता ले लिया है। और सामने देखिए सुबह सुबह फौज के जवान रनिंग करते हुए, ये देखिए। इनका शायद टेस्ट चल रहा है रनिंग का। पूरी यूनिट है दौड़ते हुए। जय हिंद। रोज का रूटीन होता है इनका ये रन करना, तभी फिट रहते हैं ना। और देखिए ये सामने से एक और फौजियों का ग्रुप आ रहा है जो कि सामान के साथ दौड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। इतना सारा वेट लेकर दौड़ना काफी मुश्किल होता है। और ये साइकिलिस्ट। और इस साइड है ये वॉर मेमोरियल, यहीं ले जाना चाहती थी मैं आज आपको। अंदर चलते हैं। तो देखिए ये है वॉर मेमोरियल जो कि कैंट एरिया में ही है। मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को यहाँ लाना चाहती थी, क्योंकि ये वो जगह है जो उन शहीदों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। तो बहुत प्राउड फील होता है ऐसी जगहों में आकर, क्योंकि मैं भी इसी फौज का एक हिस्सा रही हूँ और मेरे हस्बैंड तो अभी भी हैं। तो देखिए ये जो सामने पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें उन शहीदों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने कि देश के लिए अपनी जान गंवाई। तो ये उनकी याद में ये मेमोरियल है। ये देखिए सबके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी सारे पिलर्स हैं, 3 पिलर्स तो भरे हुए हैं, बाकी खाली हैं। उसमें भी शायद भगवान न करे किसी का नाम आए। तो ये देखिए ये है वॉर मेमोरियल। बहुत ही प्राउड फील होता है जब भी ऐसी जगह में विज़िट करती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखाती हूँ वॉर मेमोरियल। तो उम्मीद करती हूँ कि आज सुबह सुबह ये जो वॉर मेमोरियल का टूर है ये आपको काफ़ी इंस्पायरिंग लगा होगा। तो बस सोचा था, काफ़ी टाइम से सोच रही थी एक्चुअली कि मैं यहाँ लेकर आऊँगी आप लोगों को। मैं अक्सर आती हूँ यहाँ पे रन के लिए, तो आज सोचा चलिए रन तो करने रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, तो आप लोगों को वॉर मेमोरियल दिखा देती हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए ये टैंक भी यहाँ पर लगाया हुआ है। वो टैंक है पीछे। और यही 100 मीटर पर आगे ना उत्तराखंड के सीएम का रेजिडेंस है, ध्यानी जी का। दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए लिखा हुआ है ना मुख्यमंत्री आवास, सीएम हाउस। तो सुबह सुबह आपको यहाँ पे फौजी दौड़ते हुए नजर आएंगे। बस बहुत सारे फौजी आपको नजर आएंगे दौड़ते हुए, क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, फिट रहना। तो इस गेट के अंदर है चीफ मिनिस्टर का घर। 4 किलोमीटर के करीब कर चुकी हूँ मैं। सोच रही हूँ 6 किलोमीटर करती हूँ आज, 6 या 7। देख, ये एक मंदिर है यहाँ कैंट का, छोटा सा माता का मंदिर है। जय मां। बहुत ही प्यारा मंदिर है, यूनिट का ही मंदिर है शायद किसी। ये मसूरी बाईपास रोड है। किमाड़ी और हाथीपाव भी यहीं से जाते हैं। अच्छा ये जो बिल्डिंग आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये स्कूल है, कैंट का स्कूल है। और इसी स्कूल से मेरी मम्मी, मेरी मौसी सब पढ़ के पास आउट हुए हैं, तो काफ़ी पुराना स्कूल है। अभी फ़िलहाल देखिए बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मेरी मम्मी देखेंगी ये वीडियो में तो बड़ी खुश हो जाएंगी, ये उनका स्कूल है, यहाँ से पास आउट हुई है मेरी मम्मी और मेरी मौसी, दोनों मौसी। ये देखिए, ये है स्कूल का नाम, गोरखा मिलिट्री इंटरमीडिएट कॉलेज देहरादून कैंट। और पूरे टाइम नहीं पढ़ी है मम्मी स्कूल में, शुरू की जो स्कूलिंग है वो मम्मी ने उसी स्कूल से की है जिस स्कूल से मैंने की है, मतलब कि KVFRI। तो एक तरह से मेरी मम्मी भी KVFRI प्रोडक्ट है। मेरी मम्मी, मेरी मौसी, सपना मौसी भी पूरे थ्रू आउट KVFRI में ही पढ़ी हैं। तो हमारे घर में सब KVFRI से ही पढ़े हुए हैं। और ये सामने है मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और हम सबको ट्रीटमेंट के लिए यहीं आना पड़ता है, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए। तो आर्मी अपने जवानों को, अपने अफसरों को, उनकी फैमिलीज़ को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करते हैं और इसीलिए यही वजह है कि सारे जवान, सारे अफसर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। इतना जोश होता है उनमें, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्हें कुछ हो भी गया तो फौज जो है उनकी फैमिली को अच्छे से लुक आफ्टर करेगी। तो मैं एक लूप तो कंप्लीट कर चुकी हूँ, 5.5 किलोमीटर से ऊपर हो गया है। मैं एक छोटा लूप और कर रही हूँ ताकि 7 किलोमीटर तक कम से कम हो जाए। गाड़ी मैंने कैंटीन के आगे पार्क की है। और ये सामने देखिए, ये है महेंद्र ग्राउंड, जहाँ उस दिन तीज का मेला हुआ था। यहाँ पे काफ़ी लोग सुबह रन करने के लिए, खेलने के लिए, वॉक करने के लिए आते हैं। तो वॉक कंप्लीट कर लिया है मैंने। आज मैंने टोटल 7.5 किलोमीटर किया। जो उसका स्टैट्स है वो स्क्रीनशॉट में ऊपर लगा रही हूँ। टाइम पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने स्मार्ट वॉच को रोका नहीं और कई जगह, कई बार मुझे रुकना पड़ा, काफी देर तक रुकना पड़ा, खासकर वॉर मेमोरियल में, क्योंकि उसका गेट खुला हुआ नहीं था। और जब तक सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोला, फिर उन्होंने रजिस्टर में मुझसे एंट्री करवाई और फिर मैंने उसका टूर करवाया, तो काफी टाइम लग गया। और फिर स्कूल में भी मैं काफी देर तक रुकी थी। तो टाइम पर बस ध्यान मत दीजिएगा। टोटल 7.5 किलोमीटर कवर किया है। अब घर की तरफ वापस जा रही हूँ। गाड़ी मैंने यहाँ सबेरिया कैंटीन के बाहर पार्क की थी, क्योंकि ये जो जगह है ना कैंट, ये मेरे घर से करीब 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है, बल्कि 5 किलोमीटर मुझे लगता है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और वैसे तो मैं पैदल भी आ सकती थी, लेकिन रास्ते में ना हाईवे पड़ता है, तो वहाँ पे काफी ट्रक्स वगैरह चलते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं आकर गाड़ी में आकर यहाँ पे पार्क कर देती हूँ और फिर अपना रन या वॉक यहाँ पे करती हूँ। मुझे यहाँ पे रन वॉक करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफी खुली जगह है और काफी लोग दौड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं, खासकर फौजी। तो काफी इंस्पायरिंग लगता है, तो उनको देखकर आपको भी जोश आता है और आप भी फिर अच्छे से करते हो अपना जो वर्कआउट है। एनीवेज, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि आज मेरी एक फ्रेंड आने वाली है दिल्ली से। वो मेनली उस फ्रेंड को मिलने आ रही है जिसके मदर की डेथ हुई है, तो मेरे पास ही रुकेगी। तो मिलाऊंगी उससे शाम को शायद। आज हम दोनों मिलकर किरण के घर जाएंगे, डिनर वहीं है किरण के घर में, और फिर वो मेरे घर आकर रुकेगी। किरण भी शायद आज मेरे घर में ही स्टे करेगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे वापस घर पहुंच के, बने रहिएगा मेरे साथ। तो फाइनली घर पहुंच गई हूं। अब थोड़ी देर में आपसे मिलती हूं फ्रेशन अप होकर। सॉरी गाइस, सुबह वॉक से आने के बाद मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि जिस फ्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो आज दिल्ली से आने वाली है, उसके आने की प्रिपरेशन में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। उसकी फ्लाइट बस अब लैंड करने ही वाली है और उसकी फ्लाइट थोड़ी सी डिले है, तो वो सीधा एयरपोर्ट से उस फ्रेंड के घर पहुँच रही है जिसकी मम्मी की डेथ हुई है। और मैं और किरण यहाँ से पहुँचेंगे उनके घर, तो फिर उसके बाद हम उसे लेकर किरण के घर जाएंगे। किरण के घर डिनर करके फिर वो दोनों मेरे यहाँ आएंगे और रात को यहाँ स्टे करेंगे। तो ये है आज का प्रोग्राम। सॉरी, बिल्कुल भी मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल एक्चुअली। तो अब मैं तैयार हूँ, किरण बस थोड़ी देर में मुझे पिकअप करने के लिए आती ही होगी। अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी किरण के घर। वहाँ मैं जिस फ्रेंड के घर हम जा रहे हैं वहाँ मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, तो सीधा आपसे मिलूंगी अब मैं किरण के घर। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में मेरे साथ। तो हम किरण के घर से डिनर करके वापस आ चुके हैं। किरण और अपनी फ्रेंड को, मैं दोनों को यहाँ ले आई हूँ अपने घर में, लेकिन हमने किरण के घर में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि किसी का भी मूड अच्छा नहीं था। अपनी उस फ्रेंड से मिलकर हम लोग काफ़ी लो फील कर रहे थे, जिसकी मदर की डेथ हुई है, तो इसलिए हमने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की, ना ही हमने किरण के घर में रिकॉर्डिंग की। बस थोड़ी बहुत हमने आपस में ही बातें की। तो बस अब ये मेरे घर आ गए हैं और आज भी मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। कल हो सका तो मैं आप लोगों को अपनी फ्रेंड से मिलाऊंगी। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।